करने जा रहे हैं फिटिक रिएक्शंस। तो हेडिंग डालेंगे आप मेरे साथ, फिटिक रिएक्शंस, फिटिक रिएक्शंस। ये बिल्कुल फिटिक रिएक्शंस आपको बिल्कुल याद दिलाएगी किसकी, वुड्स रिएक्शंस की। जैसे वुड्स वर्क कर रही है वैसे ही ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस है, लेकिन अंतर क्या है, वहां हम एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, यहां पर हम क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। तो हमने यहां एक्स लिया, सोडियम लिया, डाइमिथाइल ईथर लिया, डाइमिथाइल ईथर लिया। हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड इस तरह से बन रहा है, यानी डाई फिनाइल आपको देखने को मिलेगा प्लस ट्वाइस एन ए एक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिटिक रिएक्शंस। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, ड्राई सूखा होना चाहिए, ड्राई डाई मिथाइल ईथर एंड एक्टिव सोन, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड कन्वर्ट इन डाई फिनाइल, डाई फिनाइल। कॉल्ड फिटिक रिएक्शंस, फिटिक रिएक्शंस। तो ये बिल्कुल वुड्स की तरह है, वुड्स में एल्काइल हैलाइड लिया था, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, एराइल हैलाइड ले रहे हैं। एराइल हम बेंजीन को बोलते हैं, बेंजीन वाले ग्रुप को, जिसको हम फिनाइल भी बोलते हैं, एराइल फिनाइल सेम मीनिंग है। तो ये हमारे पास हो गया वुड्स, सॉरी फिटिक रिएक्शंस। तो इसकी मैकेनिज्म भी वैसी ही रहती है जैसा हमने वहां पढ़ा। तो मैकेनिज्म किस तरह की रहेगी इसकी, हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म। सबसे पहले सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ये सोडियम मेटल सॉल्वोलिसिस होगा, सॉल्वोलिसिस विथ ईथर। तो जब ये सॉल्वोलिसिस हो रहा है तो उस प्रोसेस में हमारे को सोडियम आयन स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो फिनाइल, सॉरी एराइल हैलाइड है, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों यहां मूव कर रहे हैं और ये यहां जा रहा है। तो कुल मिला के आपको क्या देखने को मिलेगा इस जगह, ये फ्री रेडिकल। थर्ड स्टेप में आपके पास ऐसे दो फ्री रेडिकल अटैच होते हुए दिखाई देंगे जो कि डाई फिनाइल का प्रोडक्शन करेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिल रहा है। ये कहलाएगी आपके वुड्स फिटिक रिएक्शन, सॉरी फिटिक रिएक्शंस। तो यहां पर हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एराइल हैलाइड लेना है, इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, की पॉइंट्स वही है जो वहां बनेंगे, की पॉइंट फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा यहां पर बताएं। सिंपल सा है हमारे लिए, ये एक तरह से हमारे लिए फ्री रेडिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो यहां हमारे लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह से जा रहा है, बाकी
वो का वही है पॉइंट्स। तो अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, लिखें।